एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित नगला नीडर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान श्यामो देवी हैं। ग्राम प्रधान श्यामो देवी को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें गाँव के विकास की बागडोर सौंपी है। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 16 किलोमीटर ही है। लगभग 2100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही गांव में 25 विधवा पेंशन व 10 वृद्धा पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी स्कूल में लगभग 160 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 130 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 25 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 17 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 360 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग की है। मैं अर्जुन सिंह, ग्राम प्रधान पुत्र, ग्राम पंचायत, जो भी धनराशि हमें प्राप्त हुई अब तक हमने उसका सही उपयोग पता सदा सभी पैसा खर्च कर किया है और सही काम में किया है। उसके लिए हमने टाइल्स, नलकूप, वह शौचालय निर्माण, वह रास्ते सही ठीक ठाक कराए हैं और सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे गांव में विकास ज़्यादा है और जो धनराशि हमें मिली है वो कम है उस हिसाब से, तो प्लस धनराशि सरकार से ये गुजारिश हमारी कि ज़्यादा पैसा दें जिससे कि हम गाँव में विकास पता संतुष्टि गाँव वालों कर सकें, जिससे कि हमारी भी हो और पता गवर्नमेंट की भी उसमें बाहवाकार होनी चाहिए। प्लस गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि हमारे गांव में थोड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि निकासी उसकी नहीं है, नाले बनवाने चाहिए, जैसे कि लाइटों के लिए पैसा और देना चाहिए, प्लस रास्ते भी ज़्यादा रह गए हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से कि पैसा आया है वो तो हमने सही यूज कर लिया, सही जगह लगा दिया, जिसमें कि सभी लमसम 50% पैसा सही उसमें रास्तों में लग रहा है और 20% पैसे वैसे यूज हो रहा है, जिस तरह से कि लाइटें लगवाई हैं, नलकूप सही करवाए हैं ठीक ठाक, शौचालय में लग गया कुछ पैसा, जिससे कि पैसा तो सही जगह लग गया मगर ज़्यादा पैसे जरूरत हुआ है, ज़्यादा विकास है हमारे गांव में और अब से कभी पहले ही मान लो हमारे गांव में विकास नहीं किया किसी ने, इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा दें जिससे कि हमारे गाँव में विकास प्लस तरक्की होनी चाहिए हमारे गाँव की। बस सरकार से यही एक उम्मीद है कि ज़्यादा ज़्यादा विकास करने की कोशिश करें। ये रास्ता पहले से बहुत गंदा था, हमारे गांव के प्रधान जी ने ये रास्ता बहुत साफ़ सुथरा कर दिया और ये हमारे गांव के प्रधान जी गांव का विकास बढ़िया तरीके से कर रहे हैं।